आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया कि आज हम सीखेंगे सुमिता अरोरा का क्लास 12 का चैप्टर पाइथन रिवीजन टूर का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए देख लेते क्वेश्चन क्या कहता है। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड टू टाइम्स इन मिलिट्री फॉर्मेट एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स बिटवीन टू टाइम्स। इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा, प्रोग्राम क्या होगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो में मैं आपको ना यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रख के बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड टू टाइम्स इन मिलिट्री फॉर्मेट, यानी कि टू टाइम्स मतलब यहाँ पे दो बार ना यूजर ना मिलिट्री फॉर्मेट टाइम इनपुट करेगा एंड प्रिंट द नंबर ऑफ आवर्स एंड मिनट्स बिटवीन टू टाइम्स। फिर हमें बताना है कि कितना आवर्स है कितना मिनट्स है। मिलिट्री फॉर्मेट क्या होता है, जो आपका रेलवे फॉर्मेट होता है ना, कि जैसे 9 o'clock को 0900 लिखते हैं, फिर जब 12 PM जब चालू हो जाता है तो वहाँ पे फिर 1 को 13 लिखने लगते हैं। तो ऐसे ही ना मिलिट्री फॉर्मेट भी वैसे होता है, बस यहाँ बीच में जो कोलोन लगा रहता है, यहाँ जैसे कोलोन लगा रहता है आप नॉर्मल घड़ी क्लॉक में देखें वो नहीं लगा रहेगा। चल एक एग्जांपल उसमें दिया हुआ है 0900, फिर नेक्स्ट जो सेकंड नंबर इनपुट करेगा यूज़र वो है 730। फिर आउटपुट क्या आना चाहिए, दोनों के बीच का समय जो होना चाहिए वो आउटपुट आना चाहिए। दोनों के बीच का समय है 8 hours 30 minutes, यानी कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसका मतलब कि ये ऐसे लिखा होगा 0830, मतलब ये हमारा आउटपुट आएगा। जब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ये हमारा आउटपुट आएगा। अब इसको इस फॉर्मेट में हमको लिख देना है, सिंपल सा प्रोग्राम है गैस। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैं फर्स्ट इनपुट कराऊंगा यूज़र से फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम इनपुट कराऊंगा। देख जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर क्या किया मैंने, ए इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड जो रहेगा वो ग्रेटर टाइम बड़ा टाइम रहेगा, इसलिए सेकंड माइनस फर्स्ट नहीं तो आंसर माइनस में आ जाएगा, इसलिए सेकंड माइनस फर्स्ट किया। फिर मैंने क्या किया, ए यहाँ पे मैंने ना फ्लो डिवीजन का यूज़ किया। फ्लो डिवीजन का डबल जब स्लैश लगा देते हैं तो उसको हम फ्लो डिवीजन करते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ना ये हमें क्या देता है, कोसेंट। जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कोसेंट आएगा, सपोज दैट जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना 100 को ना 1730 से, मान लीजिए कोई माइनस करने पे इतना ही आया तो ना जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 70। और फिर अगर हम इसे इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, मॉडुलस निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 30। तो भाई हमको यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए, बीच में आवर लिख देंगे मिनट लिख देंगे, यही तो हमको चाहिए था। तो चलिए मैं रन करा के आपको दिखा दे रहा हूँ, इससे आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पहले जो एग्जाम्पल दिया है पहले हम वही देख लेते हैं, 00 फिर 7, 1, 7, 3, 0। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली प्रिंट हो गया, पर यहाँ पर देखिए मिनट की स्पेलिंग है तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। चलिए मैं अनदर एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा दूसरा नंबर ले लेता हूँ, जैसे सुबह के हो रहे हैं, मान लीजिए 5 बज रहे हैं सुबह की, अब रात के 24 तो होती है, मान लीजिए 23 हो रहा है, 5-0 ले लीजिए। तो हमारा आ गया ना 8 hours 50 minutes। तो ये हमारा देखिए आउटपुट आ गया, एकदम आसानी से आ गया। आप यहाँ पे कोई और नंबर भी ले सकते हैं जैसा आपको मन चाहे, और क्या ज़रूरत है भाई टाइम लेने की। अगर आप भी कुछ भी ले लीजिए तो आपको ऐसा ही आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट्स में, उसका रिप्लाई देने की जल्दी जल्दी पूरी कोशिश करेंगे।